हरियाणा के खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन से सभी खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया है। सोनीपत के रहने वाले बजरंग पुनिया, रवि दहिया, हॉकी टीम में खेल रहे सुमित कुमार और पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा के दमदार खेल से भारत को कई मेडल मिले, जिसके चलते बीते दिन सोनीपत के पार्कर मॉल में चा प्लेटफॉर्म नाम ढाबे पर खाना फ्री किया गया और ढाबा मालिक के इस ऐलान के बाद ढाबे पर ग्राहकों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। ढाबा मालिक के इस कदम को खेल प्रेमियों ने बहुत सराहा और कहा कि इससे ये साबित होता है कि खिलाड़ियों के प्रति कितना प्रेम और हम खेलों को कितना महत्व देते हैं। यहाँ पर देश में मेडल जीतने की खुशी में हमारे जो शेर मेडल लाए हैं, इस खुशी के उपलक्ष्य में खाना खा रहे हैं, फ्री खाना खिला रहे हैं। अभिनंदन की रिहाई पे भी खाना खिलाया था, सर्जिकल स्ट्राइक पे भी खाना खिलाया था और जो बलात्कारियों के पीछे फांसी हुई थी उस पर भी खाना खिलाया था। ये जो खाना खिलाने वाले हैं जो भी, ये हमारे भाई, ये देश में मेडल लाने की खुशी में आज ये खाना खिला रहे हैं और हमें भी अपार गौरव है। हमारे जो शेर यहाँ से मेडल लेके आए हैं हरियाणा के, पूरे देश को गौरव है इस चीज़ पे। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ भाई, ये अपने बड़े और ये इन्होंने खाना फ्री किया है, जो हमारे देश के नौजवान भाई थे हमारे बड़े, वो मेडल लेके आए हमारे लिए, जो नारी से थे हमारे खाना खाने आए। भाई का फोन आया था कि भाई आओ, ऐसे हमारे जो बड़े भाई थे रवि दहिया हैं, नारी से है, हमारे पानीपत से बड़े भाई है, उनका गोल्ड मेडल आया, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। चाप प्लेटफॉर्म को चलाने वाले ढाबा मालिक ने बताया कि हमारे देश के खिलाड़ियों ने हमारा मान सम्मान बढ़ाया है और जिसके चलते हम उनके लिए और उनके सम्मान के लिए आज अपने ढाबे पर सभी को फ्री में खाना खिला रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में हमारे देश के खिलाड़ी ओलंपिक में और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और देश के लिए मेडल लेकर आएंगे। इससे पहले भी हम सरकार के अच्छे कदमों पर ग्राहकों को खाना फ्री खिला चुके हैं। वहीं मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता ने ढाबा मालिक से खास बातचीत की, जरा सुनिए। टोक्यो ओलंपिक में जिस तरह भारत के खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है, पूरे देश में जश्न का माहौल है। सोनीपत नेशनल हाईवे 44 पर भी एक ढाबा मालिक ने आज खाना फ्री किया। देखिए यहाँ पर पोस्टर भी लगाया गया है हरियाणा के शेरों द्वारा, जो टोक्यो ओलंपिक में मेडल लाने के उपलक्ष्य में आज के दिन चाप प्लेटफार्म की तरफ से खाना फ्री। देखिए यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं खाना खाने के लिए, जो लोग पहुँचे हैं अपनी बारी का इंतज़ार यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में जश्न का माहौल है। नीरज चोपड़ा ने जिस तरह गोल्ड जीता उसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल हुआ। यहाँ पर भी जब कभी कोई देश में बड़ी उपलब्धि होती है तो इस ढाबे पर खाना फ्री दिया जाता है। ये लाइनें लगी हैं, लोग यहाँ खाना खाने के लिए पहुँचे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जो ढाबा के मालिक हैं उनसे भी बात करेंगे, आज जो खाना फ्री किया गया किस उपलक्ष्य में किया गया। आज ये देश के जो जवान हैं हमारे, शेर पट्टे हमारे, जो हमारे बिल्कुल खास हैं हमारे हरियाणा के बंदे, उनके लिए कराया, उनकी खुशी के चक्कर में वो गोल्ड मेडल लेके आए हैं, सिल्वर लेके आए हैं, ब्रॉन्ज लेके आए हैं पहलवानी में। हरियाणा आपको पता ही है जिद्दू दही का खाना है हमारे, इस वजह से। इससे पहले भी खाना फ्री कर चुके हो? इससे पहले हमने 5 बार कराया है। किस किस उपलक्ष्य में उपलब्धियों पर किया है? उपलब्धि आई हमारी देश के लिए, जो भी अच्छे काम होता है, 370 धारा हटी, पुलवामा में अटैक हुआ था उसके प्रति हुई, और निर्भया रेप के केस में फांसी की सजा हुई उस केस में करी, अभिनंदन वापिस आया उस केस में करी। हमेशा ऐसे ही करते हैं हम, जो देश के प्रति अच्छा काम होता है उसके लिए करते हैं। देखिए ढाबा मालिक का कहना है जब देश में कोई बड़ी उपलब्धि होती है तो उसके बाद खाना फ्री किया जाता है। हमारे साथ एक युवा जो यहाँ खाना खाने आए, खाना खाने पहुँचे हो, क्या कहोगे जिस तरह देश में बड़ी उपलब्धि, देश के जो जवान हैं उन्होंने मेडलों के लिए जो इतिहास रचा है? देखो हम सबको खुशी है इस चीज़ की कि जवान हमारे मेडल लाए हैं, हमारे लड़के मेडल लाए हैं, तो मैं इन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इन्होंने एक छोटा सा स्टेप लिया है कि इस चक्कर में हम आगे बच्चा भी मोटिवेट हो, आगे बंदे भी खेलें और भी खेलें और भी मेडल आएँ, तो इस खुशी में उन्होंने अच्छा स्टेप लिया है, मैं सराहना करना चाहूँगा इस चीज़ की। इससे पहले भी इन्होंने कहा कि हम खाना फ्री करते रहे? इससे पहले भी इन्होंने खाना फ्री किया था, मैं भी बहुत बार आया हूँ, कम से कम 4-5 बार खाना फ्री कर चुके हैं, 1-2-3-70 घटी तब खाना फ्री किया था, अभिनंदन जब वापस भारत लौट के आए तब खाना फ्री किया था, 35A-28 जब जम्मू कश्मीर से तब खाना फ्री किया था। देखिए जब बड़ी देश की कोई बड़ी उपलब्धि होती है तो यहाँ पर खाना फ्री किया जाता है। मैं लाइनें दिखाऊंगा किस तरह लगी हुई है, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि खाना खाने पहुँचे हैं युवा यहाँ पर, और वो अपनी बारी का इंतज़ार करते यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देश के युवाओं ने मेडल जीत कर इतिहास रचा। हम यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे जिस तरह से देश के जवानों ने, जो देखिए लगातार वही, जिस तरह से देश के जवानों ने मेडल जीत कर इतिहास रचा, वहीं पूरे देश में जश्न का माहौल है, उसको लेकर यहाँ पर फ्री खाना
दिया जा रहा है और लोग खाना खाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।